अब हम सीख रहे हैं कुड का यूज़ जो बहुत आसान है सो गाइज कुड का यूज़ अगर पास्ट में बात करें तो एबिलिटी या ताकत दिखाने में किया जाता है जैसे बचपन में मतलब पास्ट की बात है कि बचपन में तुम एक हज़ार किलो उठा सकते थे अगर उठा सकते थे तो बोलो यस आई कुड और अगर नहीं उठा सकते थे तो बोलो नो आई कुड नॉट तो अगर कर सकते थे तो कुड नहीं कर सकते थे तो कुड नॉट सिंपल ताकत की बात कर रहे हैं ठीक है थीके? ताकत एबिलिटी की बात कर, सकते, कर रहे हैं कि यह काम आप कर सकते थे या नहीं कर सकते थे तो कुड यूज करते हैं और नहीं कर सकते तो कुड नॉट यूज करते हैं जैसे वो पहाड़ पर चढ़ सकता था बहुत आसान सी बात है उसके लिए कि वो पहाड़ पर चढ़ सकता था ही कुड क्लाइम द माउंटेन ही कुड इम द माउंटेन तो ही के साथ कुड आया कुड का मतलब है वो कर सकता था ही कुड क्लाइम द माउंटेन माउंटेन मतलब पहाड़ पे वो चढ़ सकता था क्लाइम मतलब चढ़ना क्योंकि उसके पास बहुत अच्छा अनुभव था बिकॉज ही हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ठीक है समझ में नेक्स्ट आप मैच जीत सकते थे मतलब आपकी एबिलिटी आप में इतनी ताकत थी कि आप ये कर सकते थे तो आप मैच जीत सकते थे यू कुड विन द मैच कुड का मतलब क्या है कि आप ऐसा कर सकते थे सो यू कुड मतलब आप कर सकते थे क्या विन द मैच मैच जीत सकते थे क्योंकि आपके पास बहुत अच्छे खिलाड़ी थे बिकॉज यू हैड वेरी गुड प्लेयर्स बिकॉज यू हैड वेरी गुड प्लेयर्स तो सिंपली भाषा में बोलें तो अगर आप काम कर सकते थे तो आप वहां पर कुड का यूज करेंगे किसका यूज करेंगे कुड का नेक्स्ट जब मैं युवा था युवा मतलब जवान सो वैन आई वॉज यंग वैन आई वॉज अ यंग जब मैं जवान था तो मैं एक घंटे लगातार दौड़ सकता था मतलब एक घंटे तक तो लगातार मैं दौड़ता दौड़ सकता था सो आई कुड रन आई कुड रन का मतलब है मैं रन मतलब भाग सकता था कितना कॉन्टीन्यूसली कॉन्टीन्यूसली मतलब लगातार फॉर एन आवर एक घंटे तक लगातार एक घंटे तक मैं भाग सकता था सो आई कुड रन कॉन्टिन्यूसली फॉर एन आर यंग ठीक है नेक्स्ट वो गेंद को जोर से मार सकती थी मतलब उसमें ताकत थी उसमें एबिलिटी थी क्या थी कि वो गेंद को जोर से मार सकती थी शी कुड हिट द बॉल हार्ड हार्ड का मतलब है जोर से ठीक है आप जोर के लिए फास्ट यूज करने का दिमाग में मत लाना. ठीक है सो शी शी कुड का मतलब है वो कर सकती थी क्या हिट द बॉल मतलब बॉल को मार सकती थी हार्ड मतलब जोर से ठीक है समझ में आ गया ओके okay. नेक्स्ट अब कुड का यूज अनुमति लेने या देने के लिए करते हैं ये बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट से आप किसी से बोल रहे हैं तब आप लोग ये बात बोलेंगे कुड से ठीक है ध्यान से समझिएगा जैसे मे की बहुत रेस्पेक्ट समझी जाती है कुड की तो उससे ज्यादा समझी जाती है जैसे क्या मैं विभाती से बात कर सकता हूँ कुड आई टॉक टू विभाती आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो मे आई टॉक टू विभाती? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं लेकिन जब प्यार से बात करूँ ना बहुत प्यार से परमिशन लो या दो तो वा वहाँ पर कुड का यूज़ करना जैसे क्या मैं विभाती से बात कर सकता हूँ कुड आई टॉक टू विभाती? कुड आई टॉक टू विभाती नेक्स्ट क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ खुद आए मीठी मोरू खुद आए यू कुड का मतलब है कि जब आप किसी से परमिशन लेंगे बहुत पोलाइटली ठीक है अगर आप प्यार से हाँ बोलोगे तो कैसे बोलोगे हाँ मिल सकते हो यस यू कुड यू कुड बहुत आराम से आप प्यार से कह रहे हो कि हाँ तुम कर सकते हो नहीं आप नहीं मिल सकते लेकिन आप तब भी प्यार से ही बोलो नहीं आप उससे नहीं मिल सकते तो नो यू कुड नॉट ठीक है यहाँ पर मैंने आपको बताया है आप कुड की जगह कुड कैन या मे का यूज़ कर सकते हो लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि हमेशा अनुमति लेने या देने के लिए या तो मे का यूज करो या कुड का इससे क्या होगा ये सबसे ज़्यादा पोलाइट है बड़ी इज्जत से बात कर रहे हो मे का मतलब है कम इज्जत और कैन का तो मतलब है तू तड़क पर आप आ गए हो ठीक है ये बात आप ध्यान हाँ रखेंगे इसका स्क्रीन ले लीजिए ताकि आप इसे भूलें नहीं ठीक है अब लास्ट यूज़ आपको सिखा रहे हैं संभावना व्यक्त करने के लिए एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी ध्यान से समझो जब आप पॉसिबिलिटी का मतलब शो कर रहे हैं मतलब आप सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ऐसा शायद हो सकता है फ्यूचर में आज शाम को या कभी भी कि आपको कहना है कि ऐसा हो सकता है तो वहां पर आप कुड का यूज़ कर सकते हैं जैसे वो शाम को आपसे मिल सकता है वो शाम को आपसे मिल सकता है ही कुड मीट यू इन द इवनिंग लेकिन ऐसा नहीं है कि कुड ही यूज होगा आप यहाँ पर मे और माइट भी यूज कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन कुड का यूज़ भी कर सकते हो तो इसलिए मैं आपको अकॉर्डिंग टू कुड समझा रहा हूँ कि भाई वो शाम को आपसे मिल सकता है ही कुड मीट यू इन द इवनिंग ठीक है आपके पापा आपको कभी भी कॉल कर सकते हैं योर फादर कुड कॉल यू एनी टाइम कुड की जगह मे भी यूज कर सकते हो आप कोई दिक्कत नहीं है मे और माइट में ठीक है लेकिन मैं कुड से बोलूंगा आप योर फादर कुड कॉल यू एनी टाइम कुड का यूज पॉसिबिलिटी में भी करते हैं ऐसा नहीं है कि कुड का ही करेंगे आप मे माइट यूज कर लो लेकिन कुड का भी कर सकते हैं ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको कल बारिश हो सकती है तो इट कुड रेन टू आप ऐसे भी बोल सकते हो इट मे रेन टू आप ऐसे भी बोल सकते हो इट माइट रेन टू ठीक है समझ में आया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप भूल ना जाओ